ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, आज बात करेंगे कालसर्प दोष या योग। कालसर्प दोष के बारे में जो लोगों की भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। कालसर्प योग कैसे बनता है, कौन सी ऐसी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं जिनके चार्ट के अंदर आपको कालसर्प योग या दोष देखने को मिलेगा, ये एक शाप है या एक वरदान है, साइंटिफिकली जानने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। दोस्तों, आज नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी के दिन ही मैंने सोचा है कि आज इस वीडियो सीरीज का स्टार्ट करते हैं। हो सकता है ये वीडियो एक दो तीन तीन वीडियोस में चला जाए। हम जानते हैं कि जो नाग है इनका हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपके जितने भी पुराने मंदिर हैं, गुफाएं हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनके अंदर आपको नाग का मेंशन देखने को मिलता है। नाग, जब हम बोलते हैं कि समुद्र का मंथन किया गया था, तो उस समय जो रस्सी का इस्तेमाल किया गया था, वो एक नाग उसने अपना शरीर दिया था रस्सी का इस्तेमाल करने के लिए। अगर हम बात करें भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और उनके सिर के ऊपर नाग है, वो नाग के ऊपर रेस्ट करते हैं। और भगवान राम, लक्ष्मण जो है वो शेषनाग थे, जो उनके साथ भगवान राम के साथ उन्होंने अवतार लिया था। अगर भगवान कृष्ण की बात करें तो बलराम रामायण में लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे, मगर इसकी कंप्लेंट जब इन्होंने की तो उन्होंने बोला ठीक है आप बड़े भाई बन के बन जाना। तो जब दोबारा भगवान राम, भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तो बलराम उनके बड़े भाई थे और वो भी शेषनाग का अवतार थे। इसके बारे में आपने स्टोरी सुनी होगी कि जब भगवान कृष्ण एक नाग को पाताल में भेजते हैं, बिकॉज नाग उस टाइम पे वो काम वासनाओं को इंडिकेट कर रहा था। भगवान शंकर के गले में तो नाग रहता ही है। तो दोस्तों, बताया जाता है कि जिनके कालसर्प योग होता है उनके पढ़ाई में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एजुकेशन में कोई ना कोई दिक्कत रहती है, शादी में प्रॉब्लम रहती है, जॉब बिजनेस में प्रॉब्लम रहती है, दिमाग में कोई शांति नहीं रहती, कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है, सेहत खराब रहती है, पैसे का लॉस है, एंजाइटी है, और भाई बहन दोस्तों से उनको सपोर्ट नहीं मिलती है। क्या एक्चुअल ऐसा है या ये कुछ पंडितों की बनाई गई बात है जिससे लोग इनसे डरें और कोई ना कोई उपाय कराते रहें, कैसे जाने इसको जानने की कोशिश करेंगे। पहले जानते हैं कालसर्प योग बनता कैसे है। जब भी राहु एंड केतु, आप जानते हैं राहु एंड केतु एक दूसरे से 180 डिग्री दूर रहते हैं, मतलब चार्ट के आपका जो बर्थ चार्ट है उसके एक साइड में राहु, दूसरे साइड में केतु रहता है। जब राहु एंड केतु जिस चार्ट में है उसमें बाकी जो प्लेनेट है सभी प्लेनेट राहु केतु की सिर्फ एक साइड में आ जाए, जैसे इसमें आप देखें कि राहु और केतु, राहु फर्स्ट हाउस में है, केतु सेवंथ हाउस में है, और बाकी सभी प्लेनेट्स उनके एक साइड में आ जाए, या मान लीजिए कि लेफ्ट में, राइट में, किसी साइड में भी आ जाए। कुछ लोग ये बोलते आपको मिलेंगे कि राहु केतु जो है राहु के फेस की तरफ आए, यानी कि राहु जब उल्टा चलता है तो अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो सेवंथ हाउस से लेकर ट्वेल्थ हाउस तक सभी प्लेनेट हो तभी कालसर्प योग का निर्माण होता है। मगर आप ये समझे कि जब सभी प्लेनेट राहु एंड केतु के सिर्फ एक साइड में आ जाते हैं तो कालसर्प योग का निर्माण होता है। क्यों होता है? कुंडली में हमारे 12 घर होते हैं और 9 प्लेनेट्स हैं। 9 प्लेनेट्स को कुंडली में किसी न किसी घर में प्लेस होना है। हर घर के अंदर जो भी प्लेनेट होता है वहां पे कुछ इफेक्ट देता है।
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं सकती। अभी क्या हो गया कि आपके जितने प्लैनेट्स हैं वो सिर्फ 6 हाउसेस के अंदर, मैक्सिमम 6 हाउसेस, हो सकता है 5 या 4 में भी सारे कंसेंट्रेट हो जाए। तो जिन हाउसेस के अंदर वो प्लेनेट जाके बैठ जाते हैं वो हाउसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और जिन हाउसेस के अंदर वो प्लेनेट नहीं बैठते हैं वो वीक हो जाते हैं। सो एक लॉपसाइडेड लक हो जाता है उनका भविष्य जो है, उनको जिंदगी में कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स रहती हैं और कुछ एस्पेक्ट जो है उनके वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। अब ये योग क्यों बनता है? आप जानते हैं कि जब सूर्य के दोनों ओर प्लैनेट रहते हैं तो उनके अंदर जो योग बनते हैं, वेली, बसी, उभयाचारी, वहीं जब चंद्रमा होता है उसके एक साइड में हो तो अनफा, दो साइड में हो तो सुनफा, साथ में हो जाए दुर्धरा, और केमद्रुम योग बनते हैं। और शनि के साथ चंद्र हो तो विष योग बनता है, चंद्र के साथ राहु हो तो चंडाल योग बनता है, जब गुरु के साथ राहु हो तो गुरु चंडाल योग बनता है। तो जब राहु केतु रहते हैं तो इनके साथ जो प्लैनेट्स के साथ योग बनते हैं उसको हम कालसर्प योग कहते हैं। सुनने में आता है दोस्तों कि कालसर्प योग अभी इसका मेंशन होना शुरू हुआ है, इससे पहले इसका मेंशन नहीं होता था। वराहमिहिर ने अपनी जो संहिता है जातक नप संयोग, इसमें भी सर्प योग का उल्लेख किया है। सारावली में भी इसका मेंशन रहता है, शांति रत्नम उसके अंदर भी कालसर्प योग को मान्य किया है। सो इसके अनुसार जो पुराने हमारे ग्रंथ हैं, हमारी किताबें हैं, उनके अंदर कालसर्प योग का मेंशन है। सो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये योग अभी से बनना शुरू हुआ है, अभी लोगों ने अपने तरीके से इसको मॉडिफाई किया है, इसके बारे में हमारे पुराने ग्रंथों में मेंशन किया हुआ है। ये माना जाता है कि कालसर्प योग में जातक को दिक्कतें आती हैं। दिक्कतों का वो क्या करता है, कैसे करता है, उसको आगे जानेंगे। आप देखेंगे कुछ ऐसी बड़ी पर्सनैलिटीज जिनकी कुंडली के अंदर कालसर्प योग है और उन्होंने जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की की। तो दोस्तों कालसर्प योग जो बनने वाला योग है ये राहु और केतु का है। राहु को काल कहा जाता है और केतु को सर्प कहा जाता है। राहु सांप को रिप्रेजेंट करता है, और आप देखेंगे जिनके कालसर्प योग होगा उनको सपने में सांप नजर आते हैं। इससे कालसर्प कैसे वर्ड यूज हुआ? राहु का जो जन्म नक्षत्र है वो भरणी का है और केतु का जन्म नक्षत्र अश्लेषा है। राहु के जन्म नक्षत्र भरणी के जो स्वामी है वो काल है और केतु के जन्म नक्षत्र अश्लेषा के स्वामी सर्प है। सो इन दोनों के वर्ड से यूज हुआ काल सर्प योग, नहीं तो इसको राहु केतु योग क्यों नहीं कहा या कोई और नाम क्यों नहीं दिया? इनको इन्होंने इसलिए काल सर्प योग का नाम दिया है। राहु के जो गुण अवगुण रहते हैं वो शनि जैसे रहते हैं। वो जिस स्थान में होता है, जिस ग्रह के साथ युति करता है, उसका वह शनि का परिणाम देता है। शनि आपको क्या देता है? शनि आपको मैच्योरिटी देता है। आपकी लाइफ स्लो करता है मगर आपको मैच्योरिटी देता है। वो आपको बताता है काम कैसे करना है, और उसी तरीके से राहु वो आपको एक मैच्योरिटी देता है। राहु का इफेक्ट कैसे पता चलेगा? राहु किस हाउस के अंदर है, किस साइन के अंदर है और किन प्लैनेट्स के साथ उसकी युति है। कुछ लोग राहु को मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं और कुछ राहु को वृष राशि में उच्च का मानते हैं, और केतु को कुछ लोग धनु राशि में उच्च का और कुछ वृश्चिक राशि में उच्च का मानते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने ये जाना कि कालसर्प योग का निर्माण राहु केतु के जब एक साइड में सभी प्लैनेट आ जाते हैं तो कालसर्प का योग का निर्माण होता है। अभी आप देखिए 12 जॉडिक साइन है। मान लीजिए आपके एरीज लगन है और राहु केतु की प्लेसमेंट अगर हम फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में देखेंगे तो 12 हाउसेस के साथ होने से 12 तरह के कालसर्प योग बनते हैं। और 12 जॉडिक साइन,
144 टाइप्स के कालसर्प योग बनेंगे। और अभी क्या हो सकता है, प्लैनेट्स एक साइड में, प्लैनेट्स दूसरी साइड में, तो 288 टाइप्स के कालसर्प योग बन सकते हैं। ये देखिए अभी सभी प्लैनेट जो हैं आपके राहु केतु के एक साइड में शो कर रखे हैं और यहाँ पे दूसरी साइड में शो कर रखे हैं। आप जानते हैं राहु को नॉर्थ नोड कहा जाता है, केतु को साउथ नोड कहा जाता है। तो जो जब सभी प्लैनेट राहु केतु के लेफ्ट साइड में आ जाते हैं तो वो ईस्टर्न साइड में आ जाते हैं। ईस्टर्न साइड क्या होता है, ईस्टर्न साइड सन की साइड है, यहाँ पे सन का डोमिनेंस चलता है क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है। सो सूर्य ने पूर्व से निकल के पश्चिम में जाना है। सो पश्चिम साइड साइड अंधेरी साइड है, ईस्टर्न साइड लाइट की साइड है। जब राहु केतु के लेफ्ट में सभी प्लैनेट आ गए तो वो उसके सूर्य के साइड में आ गए, तो उसके अंदर सूर्य के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है, उनके ऊपर लाइट ज़्यादा रहती है। सो ऐसे लोगों के अंदर आप देखेंगे अग्रेशन देखने को मिलेगा, उनके अंदर एनर्जी का लेवल ज़्यादा रहेगा, वो अथॉरिटेटिव रहेंगे, डिक्टेटर रहेंगे, वो अपनी बात को प्रूव करना चाहेंगे और उनकी जो क्वालिटीज हैं वो पब्लिक के सामने आएंगी। और जब वही प्लैनेट्स आपके वेस्टर्न साइड में आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे वेस्टर्न साइड में आ जाएंगे तो वो डार्क साइड में आ जाएंगे। डार्क साइड में आने से फर्स्ट ऑफ ऑल उनको वैल्यू नहीं ज़्यादा मिलती, दूसरा इनके अंदर लूनर क्वालिटीज बढ़ जाती हैं, चंद्रमा की क्वालिटीज बढ़ जाती हैं। ये लोग डिप्लोमेसी से, प्यार से, बगैर लड़े हुए काम निकालना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का चार्ट देखेंगे, उनके अंदर अब ये देखेंगे कि सभी प्लैनेट्स वेस्टर्न साइड में हैं। वेस्टर्न साइड में होने की वजह से आपने देखा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल अफेयर्स में बात करना, लोगों से हिंदी चीनी भाई भाई, यही हम करते रहे, क्योंकि वो लूनर साइड है। उनके जो डार्क साइड के अंदर, या आप सोचें लूनर क्वालिटीज की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, और अगर वही ईस्टर्न साइड की होती तो वो जो आदमी है डिक्टेटर हो जाता, वो फाइटर हो जाता। सो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कितनी तरह के कालसर्प योग दोष होते हैं, दोष कह दें योग कह दें। फर्स्ट ऑफ ऑल अनंत काल सर्पयोग, कुलिक काल सर्पयोग, वासुकी काल सर्पयोग, शंखपाल काल सर्पयोग, पद्म काल सर्पयोग, महापद्म काल सर्पयोग, तक्षक काल सर्प, कर्कोटक काल सर्प, शंखचूड काल सर्प, घाटक काल सर्प, विष्तर काल सर्प, शेषनाग काल सर्प। दोस्तों आपको इनके नामों में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए राहु फर्स्ट हाउस में है, केतु सेवंथ हाउस में है, तो ये पहला बन गया अनंत काल सर्प। अगर राहु सेकंड हाउस में आ गया और केतु एट्थ हाउस में आ गया तो ये कुलिक काल सर्प योग हो गया। अगर राहु थर्ड में आ गया, केतु नाइन्थ में, तो वासुकी काल सर्प। इसी तरीके से अगर फोर्थ हाउस के अंदर राहु है तो शंखपाल, पांच में है तो पद्मा, छ में है तो महापद्मा, सेवंथ में है तो तक्षक, आठ में है तो कर्कोटक, नौ में है तो शंखचूड, दस में है तो घातक, ग्यारह में है तो विष्तर और बारह में है तो शेषनाग काल सर्प योग। मेरे पास कई लोगों को आता है साहब मेरा महापद्म काल सर्प योग है, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली राहु केतु की प्लेसमेंट है, कौन सी प्लेसमेंट किस हाउस में है। अभी इसके बाद आपको उसमें राशि देखनी है। सो अभी हाउसेस के बेस पे इन्होंने इसको डिवाइड किया है। अगर आप इन सभी को याद करते रहेंगे तो दिक्कत है, बेटर यह है आप इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करें कि राहु केतु के उन हाउसेस में प्लेसमेंट से क्या फर्क पड़ेगा। फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा। जब आप हाउसेस के बारे में डिटेल से जानते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि अनंत काल है या विस्तर है या शेषना काल सर्प दोष है।
ये एक तरह के नाग कुल हैं। अग्नि पुराण के अंदर इन्होंने 80 तरह के नाग कुलों की बात की है। तो ये नाग कुल के बेस के ऊपर सबको नाम दिया गया है। आपको राहु केतु का हाउसेस के अंदर प्लेसमेंट समझना है और दूसरे प्लैनेट्स की उसकी पोजीशन देखनी है, आप उसका मतलब समझ जाएंगे। किस टाइप का कालसर्प दोष है इससे ये मैटर नहीं करेगा। अभी हम कुछ कुंडलियों की बात करेंगे जिनसे आप समझ सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या लाइफ में गेन किया है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि वहम में नहीं पड़ना है कि आपकी अगर कालसर्प दोष आ गया तो जिंदगी खराब हो गई। जिंदगी खराब नहीं हो गई, ऊपर वाले ने एक मकसद के लिए आपको भेजा है। अगर आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद क्लियर हो जाता है तो वो आपके लिए अच्छा है। आप इधर उधर हाथ पैर मारने की बजाय आप अपने मकसद को हासिल करेंगे। कुछ पर्सनैलिटीज़ को करने के बाद मैं कोशिश करूँगा आपको कालसर्प योग से मुक्ति के लिए क्या आप उपाय कर सकते हैं, जिनसे ज़िंदगी के जो फैसेट्स जिनके अंदर आपको दिक्कत आ रही है उनके अंदर आपको लाइफ इजी हो जाए, वो भी घर बैठे हुए बगैर किसी पंडित जोशी या बड़े हवन कराए बगैर। मतलब कह सकते हैं कि विदाउट पैसा खर्चे हुए आपको उनकी रेमेडी मिल जाए। तो पहले देखते हैं किस टाइप के कालसर्प दोष हैं, कैसी तरह की पर्सनैलिटीज हैं। सबसे पहले जैसे आपने पढ़ा कि राहु केतु अगर फर्स्ट हाउस में हो तो कालसर्प योग बनता है, अनंत काल कालसर्प योग बनता है। तो यहाँ पे अभी राहु केतु फर्स्ट हाउस में, ये हमारे देश भारत की कुंडली है। 15 अगस्त 1947, टाइम 00:00:01, दिल्ली। उसके हिसाब से आप देखें कि हमारी जो अनंत काल सर्प योग की कुंडली बनी, इसके अंदर सभी प्लैनेट इसके राइट साइड में आ गए हैं। सो राइट साइड में आने से आप देखें कि हम लूनर साइड में चले गए हैं, हमारी जो क्वालिटीज हैं लूनर साइड चली गई हैं। हम दुनिया में ऑफेंसिव नहीं हैं, हम बातचीत करके प्यार से अपने कंट्रीज को ऊपर उठाना चाहते हैं। हमारा डिप्लोमेटिक अप्रोच ज़्यादा है, ऑफेंसिव अप्रोच कम है। सो कालसर्प की कुंडली है जिससे हमें कई मुसीबतें भी झेलनी पड़ रही हैं, उसके साथ भी हम विश पावर बनते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंगली अभी सितंबर में, सितंबर 2020 में राहु सेकेंड हाउस से निकल के राहु के ऊपर ट्रांजिट करेगा। राहु पे राहु का ट्रांजिट 18 साल के बाद होता है। हर 18 साल के बाद राहु से राहु पे राहु का ट्रांजिट रहेगा। 18 साल क्यों? क्योंकि राहु का जो ट्रांजिट साइकिल है वो 18 साल का है। अभी दूसरी कुंडली देखते हैं, थोड़ी सी एक्सेप्शन है। ये भी आपकी जो कुंडली है सुशांत सिंह राजपूत की है, जो आज की डेट में काफ़ी न्यूज़ चैनल पे चल रहे हैं। इनमें एक एक्सेप्शन है कि जो चंद्रमा है वो राहु केतु से बाहर निकल गया है। मैं रिसर्च के दौरान देखा है कि काफ़ी कुंडलियों में जो लोग जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं एज ए पॉलिटिशियन, उनके जनरली सैटर्न या जुपिटर कालसर्प की कुंडली से एक प्लेनेट बाहर आ जाता है। जो एक्टर्स हैं, ज़्यादातर एक्टर्स सेलिब्रिटीज, उनका मून या वीनस जनरली कालसर्प की कुंडली से आउट होता है, बाकी सभी प्लैनेट एक साइड में रहते हैं। सो आप देखिए कि इस केस के अंदर चंद्रमा कालसर्प की कुंडली है, सुसाइड किया है या मर्डर है, जो भी है पता चलेगा। सो सिवाय मून के सभी प्लैनेट राहु केतु के वन साइड में है। सोलर है तो इनकी क्वालिटीज जनता जानती है, काफी नाम है। तीसरी कुंडली बात करेंगे सचिन पायलट की, इनके अंदर राहु केतु, इनमें भी राहु केतु जो है सेकंड हाउस में चले जाते हैं। तो दूसरी तरह के कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है जिसमें राहु केतु सेकंड और एट्थ के एक्सिस में है। मगर सिंस वेस्टर्न साइड में सभी प्लैनेट्स हैं तो ये भी डिप्लोमेसी में, बातचीत में ज्यादा विश्वास रखते हैं, काफी स्ट्रगल के साथ चल रहे हैं। तीसरी कुंडली है धीरूभाई अंबानी की, इनसे ज्यादा नाम आपने किसी का नहीं सुना होगा। इनके अंदर राहु केतु थर्ड हाउस के अंदर थर्ड नाइन्थ एक्सिस में चल रहे हैं।
बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग कहते हैं कि जब राहु केतु होगा, काल सर्प होगा, तो पैसा नहीं आएगा, पैसे की प्रॉब्लम रहेगी। मगर इस केस में आप जानते हैं कि आज की डेट में मुकेश अंबानी, जो कि धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं, इंडिया में छोड़ के पूरे वर्ल्ड में एक फाइनेंशियल फिगर है। इनके अंदर राहु केतु जो है वो ईस्टर्न साइड में है। ईस्टर्न साइड होने की वजह से ये लोग अपने प्रोफेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर काफी ऑफेंसिव है, अग्रेसिव है। चौथा एक और कुंडली है, इसके अंदर राहु केतु एक्सिस फोर्थ टेंथ के अंदर बन रहा है। ये हर्षद मेहता की कुंडली है। हर्षद मेहता जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सबसे बड़े स्कैमस्टर हुए हैं, उनके पास इतना पैसा था, उन्होंने इतना पैसा कमाया कि कई छोटे मोटे कंट्रीज की जीडीपी भी उनके पैसे के बराबर नहीं थी। इसमें भी जो काल सर्प है वो ईस्टर्न साइड में बन रहा है, यानी कि अग्रेसिव की वजह से, अपने पावर नॉलेज की वजह से उन्होंने पैसा कमाया था। अगली कुंडली, इसके अंदर जो राहु केतु एक्सिस है 10-4 में है, यानी कि राहु 10th हाउस में है, केतु 4th हाउस के अंदर है। ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है। इनके चार्ट के अंदर भी काल सर्प योग है और ये वेस्टर्न साइड में इनका निर्माण हो रहा है। अगली कुंडली आप देखेंगे, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की कुंडली है। राहु केतु जो एक्सिस है वो 11-5 है, राहु 11th हाउस में है और केतु 5th हाउस में है। इनका भी जो प्लैनेट्स के इकट्ठे हो रखे हैं, सभी ईस्टर्न साइड में हो रखे हैं, नेचर आप इनका जानते हैं। अगली बात करते हैं कैटरीना कैफ, इनका भी जो कुंडली है वो 11-5 की कुंडली है, इनके अंदर भी काल सर्प योग है। एक और कुंडली, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली, इसके अंदर राहु 12th हाउस में है और केतु 6th हाउस में है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कुछ कुंडलियां हैं। इसके अलावा गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप्स के मालिक हैं, इनके अंदर राहु केतु जो है वो 12 और 6 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, मगर प्लैनेट्स की पोजीशन ईस्टर्न टू वेस्टर्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के चार्ट के अंदर ईस्टर्न है और यहां पे वेस्टर्न है। सो दोस्तों ये तो थे कुछ बड़े सेलिब्रिटीज जो दुनिया में नाम कमा रहे हैं, जो काल सर्प की कुंडली से बिलोंग करते हैं। सो काल सर्प कुंडली के वहम में नहीं पड़ना है। उसके रीजंस क्या हैं, किस वजह से ये इनके कुछ फैसेट्स के अंदर इनको दिक्कत आती है, उसकी बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में। और हम जानेंगे क्या रेमेडीज की जाए, आप अपने आप रेमेडी करें, जिनसे जो काल सर्प योग से होने वाले दोष हैं उनसे आपको मुक्ति मिले। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने जानने वाले दोस्त, उनके साथ इसको शेयर करें, हो सकता है उनको इस नॉलेज का फायदा मिल सके। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।